ये कितना यूनिक प्रचार हो रहा है। तो अगर आप लोग आ गए हैं तो आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज ये भोजपुरी के सिंगर जिन्हें आप देख रहे हैं, ये भोजपुरी के सिंगर हैं, इनके कुछ गाने भी आए हैं जिन्हें आप यूट्यूब पे आसू मिश्रा के नाम से जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग खोज रहे हैं डंडा जिससे उस अमरूद को मार के गिरा सके। इतना छोटा अमरूद काफी देर से हमें परेशान करके रखा है। बाकी ऐसे जो लड़कों को आप देख रहे हैं ये ऊपर से खड़ा होकर बस मजा लेते हैं कि गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। पता है अमरूद गिराने से बड़ा टास्क इस डंडे को गिराना है। जब तक ये डंडा गिरेगा नहीं तब तक इस अमरूद को हम गिरा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डंडों की कमी है। और जैसे ये डंडा गिरता है हम अमरूद को गिरा के आपको दिखाते हैं। ये डंडा गिर चुका है नीचे और इस डंडे से मारा जाएगा और अमरूद फिर आएगा नीचे। जैसे ही अमरूद आता है मैं आपको दिखाता हूँ। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उन्हें मेहनत के आगे झुकना ही पड़ता है। और हमारे अथक आधे घंटे के प्रयासों के बाद हमने अमरूद को गिरा रखा है। ये अमरूद जो आप देख रहे हैं ये मेरी नहीं बल्कि इनकी मेहनत का कमाल है। इन्होंने इस अमरूद को गिराया है। बहुत ज़्यादा मीठा है यार, मतलब वास्तव में ऑर्गेनिक फ्रूट खाने का मज़ा ही अलग है। चलाओ 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 अब चलाओ अब चलाओ। देखते हैं कौन गिरा लेता है। चलो वंश चलो चलो आ जाओ गिराओ गिराओ। और अभी हम निकले हैं थोड़ा सा मार्केट के लिए क्योंकि कल होली है तो थोड़ा सा कुछ ले लिया जाए, रंग गुलाल वगैरह कुछ भी। पता है ये है गांव की खूबसूरती। आप ये गेहूं देख रहे हैं, हरियाली, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें, इतना शुद्ध पर्यावरण को छोड़ के लोग शहरों में जाते हैं। ये उनकी मजबूरियाँ होती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आदमी कुछ कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। लेकिन भाई लाजवाब है ये चीज़ें। ये चने का खेत, ये गेहूं का खेत, वो जो आप देख रहे हैं वो गन्ने का खेत। ये खूबसूरती जीने का मज़ा उन्हीं को आता है जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं। ये बाइक का जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल है, अलग मज़ा है। ये रास्ते में जो गाड़ी खराब आप देख रहे हैं इसमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसका बोरी आप उठा के लेके जा भी सकते हैं। ये जो आपको प्यार मिलेगा ना ये सिर्फ गाँव में मिलेगा। इस प्यार को क्या नाम दें ये मैं भी नहीं जानता। ये कितना यूनिक प्रचार हो रहा है। बाइक पे चलने की वजह से पूरा बाल खराब हो गया और हम लोग थोड़ा सा फल लेने के लिए रुके हैं कहीं, देखते हैं क्या क्या ले पाते हैं। तीस का आधा किलो और पचास का दो किलो लेते हो यार, कौन सा रेट है? तीस का आधा केजी और पचास का एक केजी लेते हैं। थोड़ा सा संतरा और अंगूर और देखते हैं क्योंकि सीजन चल रहा है ना फलों का, संतरा और अंगूर का काफी सीजन चल रहा है। लेकिन भाई बढ़िया बढ़िया उठाओ। संतरा संतरा छाटू लेके बढ़िया बढ़िया संतरा दो। अरे क्या पता चाचा सड़ल गलल। चल जब तू कह देला तो भरोसा मान लेवे के। आप संतरा खा भी सकते हैं, काफी बेस्ट होता है संतरा बॉडी के लिए भी क्योंकि इसमें काफ़ी एनर्जी आपकी जाती है और संतरा थोड़ा सा आपको एनर्जी देता है। और ये हमने फल पैक करवा लिए हैं अब और चलते हैं थोड़ा सा लेके। ये हम नहीं खाएंगे, कोई और खाने वाला इसको। और अभी पीते हैं थोड़ा सा फालूदा क्योंकि गर्मी है और फालूदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। गर्मी और फालूदा दोनों एक साथ हो तो मज़ा अलग हो जाता है। अभी आए हैं थोड़ा सा होली का कुछ लेते हैं, अरे अबीर गुलाल जो भी देखते हैं, जो भी बेस्ट हो जिससे नुकसान कुछ ना हो और थोड़ा सा होली का फेस्टिवल भी मना लिया जाए। तो चलते हैं। क्या है ये?
तो देखो भाई ना लो उतरी लाल वाला की ऐसे कलर बोलना होगा जो ऊपर दिखाया है उसी कलर का होगा लाल गुलाबी नीला ये सब कलर आता है तो फुहारा बना के फेंकेगा पिचकारी जो स्प्रे नहीं आता है गाज वाला स्प्रे वही बोले तो इन्वेस्टर कलरफुल है और सादा होता है कहाँ है बाबू तो अभी इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी रोज की ब्लॉग आपको मिलती रहे और रोज टाइमिंग 11 बजे होगी, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होगा, रोज 11 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको देता रहूंगा और आगे और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत सारा गिव अवे भी होगा, तो वीडियो पूरा आप देखते रहिए।